आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि कब कब राहु आपका नीच का माना जाएगा। सिर्फ राशि देखने से अगर आप ये सोच लेते हैं कि अगर 8 या 9 नंबर राशि में राहु बैठा है, यानी कि स्कॉर्पियो या सेजिटेरियस में बैठा है, तो ये नीच के रिजल्ट्स देगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हैं। अगर आपको राहु के नीच रिजल्ट्स की कंफर्मेशन करनी है कि क्या आपका राहु वाकई नीच पोजिशन में बैठा है, तो आपको 5 चीज़ें मेजरली ध्यान रखनी है। देखिए, पहली चीज़, राहु नीच का होके किस घर में बैठा है। दूसरी चीज़, राहु जहाँ पे बैठा है नीच का होके वहाँ पे किन किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तीसरी चीज़, राहु की डिग्रीज क्या हैं और राहु जिन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में है उनके साथ किन डिग्रीज में कंजंक्शन में, कितना डिग्री का फ़र्क है हर प्लैनेट के साथ जिन जिन के साथ कंजंक्शन में है। फोर्थ चीज़, राहु किस नक्षत्र में बैठा है। नीच का होगे तो बैठा है, बट क्या नक्षत्र उसके फेवरेबल है। और पांचवी चीज कि राहु की D9 चार्ट में क्या पोजीशन है। अगर पांचों चीजों से आप एनालाइज करेंगे कि राहु नीच के रिजल्ट्स देगा या नहीं, सिर्फ तभी कंफर्मेशन आ सकती है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर स्केयर्ड कि मेरा राहु नीच का बैठा है तो मुझे गलत रिजल्ट ही मिले, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपका राहु नीच का है, आपको ये वीडियो देख के ये 5 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए कि क्या वाकई मेरा राहु नीच का है। क्योंकि अगर राहु नीच का होगा ना, अगर आपका राहु नीच का है, एक तो आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत सडन होते ही रहेंगे, आप कभी भी स्टेबल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज, अगर आपका स्टेबल बिजनेस चल रहा है, आपके D1 चार्ट के अंदर किसी ने बोल दिया कि नीच का राहु है, दैट मींस नहीं है, क्योंकि आपका स्टेबल बिजनेस तो चलता आ रहा है ना, आप स्टेबल तरीके से पैसे कमा रहे हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं राहु को स्ट्रेंथ मिल रही है। दूसरी चीज, जब राहु नीच का होगा तो आपके रिश्तों में, जो आपके डे टू डे रिश्ते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, उसमें दरार आएंगी ही आएंगी। अगर आपके रिश्ते सही चल रहे हैं अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ, अगर सही रिश्ते चल रहे हैं, दैट मीन्स राहु आपका प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हो सकता है नीच की राशि में बैठा हो, 9 नंबर में बैठा हो, 8 नंबर में बैठा हो, बट कहीं ना कहीं राहु को ज़रूर स्ट्रेंथ मिल रही है। थर्ड चीज़, जब राहु नीच का होगा, एक तो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करवा के, जो बहुत कम रिजल्ट्स पाते हैं लोग उनका राहु नीच का होता है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा, आप थोड़ी मेहनत में भी पैसे कमा पा रहे हैं अच्छे खासे, दैट मीन्स राहु नीच के रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं राहु को फिर से स्ट्रेंथ मिल रही है। और एक और चीज़ जो आप चेक कर सकते हैं, देखिए, जब राहु नीच का होगा ना, आप ऐसी जादू टोना में, या फिर किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर, दूसरों की वजह से मेरे काम नहीं हो रहे, ऐसा बिलीफ सिस्टम हो जाता है आपका। अगर आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है, अगर आप ये मानते ही नहीं कि कोई और जादू टोना करके मेरे ऊपर नेगेटिविटी डाल सकता है, तो दैट मीन्स राहु आपको नीच के रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑल दो 8 नंबर राशि में या 9 नंबर राशि में, जैसे सपोज करिए यहाँ पे 8 लिखा है या 9 लिखा है, राहु यहाँ बैठ गया आपकी कुंडली में, राहु यहाँ बैठ गया, ऑल दो ये राशि ही है, बट राशि के साथ साथ क्या आपने नक्षत्र चेक किया, क्या आपने डिग्रीज चेक करी किस डिग्री पे, क्योंकि 15 डिग्री पे सबसे ज़्यादा नीच का होएगा, बीच में, एग्जैक्ट बीच में सबसे ज़्यादा नीच का होगा। डिग्रीज चेक करी, आपने नक्षत्र चेक करे, आपने D9 में पोजीशन चेक करी, कहीं D9 में राहु को स्ट्रेंथ तो नहीं मिल रही, कहीं आपने आपके राहु को ऊपर गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ रही कि राहु को अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो राहु के जब नीच आपने कंफर्मेशन कर ली है कि मेरा राहु नीच का है, सिर्फ तभी आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे नेगेटिव, आप ये वीडियो मत ही देखिए, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ जाएगी। तो अगर आपका राहु नीच का है, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर राहु नीच का है, कंफर्म हो गया आपको कि राहु नीच का है, तो कैसे रिजल्ट्स देगा आपको लाइफ में। तो अब जब आपने कंफर्मेशन कर ली कि आपका राहु नीच का है, दैट मींस सिर्फ आपने ये नहीं चेक किया कि राशि कौन सी है, सपोज राहु 8 या 9 नंबर राशि में बैठा है, उसके साथ आपने ये भी चेक कर लिया कि जो नक्षत्र है वो राहु के फेवरेबल नहीं है, D9 चार्ट के अंदर भी राहु खराब होके बैठा है, खराब स्थितियों में बैठा है, तब अगर नीच का उस टाइम पे राहु 7th हाउस में सपोज बैठ गया, और 7th हाउस में 8 या फिर 9 नंबर जिसमें नीच को होता है वो राशि पड़ रही है, तो 7th हाउस में नीच का राहु, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ नीच का राहु आपको डाइवोर्स करवा देगा, आपको अपने रिलेशनशिप में सेटल नहीं होने देगा। ये सिर्फ तभी होगा अगर राहु नीच का है और आपने इसके नक्षत्र भी कंफर्म कर लिए, D9 पोजीशन भी कंफर्म कर ली और डिग्रीज भी कंफर्म कर ली। अगर आपने नहीं कंफर्म करी, तो इस वीडियो को देख के आप मत डरिए, सिर्फ नीच का राहु अगर 7th हाउस में होगा,
तो ये आपका डाइवोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट पोजीशन पे चलते हैं। देखिए, अगर आपने अब कंफर्म कर लिया है कि मेरा राहु नीच का ही है, कंफर्मेशन के लिए आपने राशि चेक करी, नक्षत्र चेक करे, D9 पोजीशन चेक करी, हर जगह से आपको कंफर्मेशन मिल गई मेरा राहु का नीच का है, और तब राहु आपके फोर्थ हाउस में बैठ गया, यानी कि यहाँ पे राहु बैठ गया और यहाँ पे 8 या 9 नंबर राशि है और नक्षत्र भी राहु के फेवरेबल नहीं है। सिर्फ इन केसेस में जब कंफर्मेशन आ गई है, राहु आपके घर में बहुत कलेश करवाएगा, आपके घर में आपको रहने का मन ही नहीं करेगा, इतने कलेश होंगे, इतनी फैमिली मेंबर्स में आपस में कलेश होते रहेंगे, ये आपको घर में टिकने ही नहीं देगा, आपको घर से बाहर निकलवा के ही रहता है अगर फोर्थ हाउस में राहु नीच का बैठा हो। अब हम अपनी अगली पोजीशन की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आपने कंफर्म कर लिया है कि आपका राहु नीच का है, कंफर्मेशन कैसे करी, राशि चेक करी, नक्षत्र चेक करे और डिग्री चेक करी, प्लस D9 में पोजीशन भी चेक करी राहु की, सब चीज़ों से आपको ये कंफर्मेशन होगी कि राहु का नीच का है, और तब राहु आपके या तो 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में बैठा हो, यानी कि राहु बैठ गया यहाँ पे 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, यहाँ बैठ गया राहु या फिर 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, तो 8th या 12th हाउस में राहु आपको एक बार लाइफ में जेल की यात्रा ज़रूर करवाएगा। आपको जेल जाना ही पड़ेगा अगर 8 या 12 में नीच का राहु बैठा हो। यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीच का राहु, अगर राहु को कहीं से भी सपोर्ट मिल रही है तो नीच का नहीं रहता, तो नीच का राहु अगर कन्फर्म्ड है 8 या 12 नंबर घर में बैठा है, आपको जेल की यात्रा करनी ही पड़ेगी एक बार लाइफ में। अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आपने कंफर्मेशन कर लिया है राशि चेक करके, नक्षत्र चेक करके, डिग्रीज चेक करके और D9 के अंदर राहु की पोजीशन चेक करके कि मेरी हर कंडीशन से राहु नीच का आ रहा है, और तब राहु आपके 9th हाउस में बैठ गया, भाग्य के घर में बैठ गया, यहाँ पे 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है और राहु बैठ भी 9वें घर में ही गया, तो ये आपका भाग्य उदय नहीं करने देगा। 48 ईयर से पहले आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और ये आपका लक बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। आपको कभी भी जितनी आप मेहनत करते हैं उतने फल नहीं मिलेंगे लाइफ में। 48 ईयर्स के बाद हो सकता है आपको मेहनत करके कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, यानी कि लक के बेसिस पे कुछ प्राप्त हो जाए, अदरवाइज ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजिशन मानी जाएगी अगर नीच का, कन्फर्म्ड नीच का राहु अगर 9th हाउस में बैठा हो। अब हम कंजंक्शंस की तरफ चलते हैं। देखिए, जब आपने कन्फर्मेशन कर लिया कि मेरा राहु नीच का है, कन्फर्मेशन आपने 4 चीज़ों से करनी है, राशि चेक करनी है कि 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, नक्षत्र चेक करने हैं, नक्षत्र अगर राहु के फेवरेबल आ गए तो नीच का नहीं रहा, थर्ड आपने D9 के अंदर राहु की पोजीशन चेक करनी है, और फोर्थ राहु की डिग्रीज चेक करनी है। चारों चीज़ें चेक कर ली और राहु आपके सूर्य के साथ कंजंक्शन में है, सूर्य के साथ नीच का राहु जब भी कंजंक्शन में होगा, आपको वंस इन अ लाइफ टाइम बहुत बड़ी बदनामी का सामना करना ही पड़ेगा, बहुत बदनाम होंगे आप अपनी सोसाइटी में एक बार जिंदगी में एटलीस्ट। और दूसरा, आपको मान सम्मान ईजिली नहीं मिलेगा लोगों का, आपके पीठ पीछे भी लोग बहुत ज़्यादा आपकी गलत बातें करेंगे। तो ये जब सूर्य और राहु का कंजंक्शन होता है और नीच का राहु कन्फर्म्ड हो गया, तो इसको हम सूर्य ग्रहण भी बोलते हैं। सूर्य ग्रहण जब लगेगा आपके कुंडली में, आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, हो सकता है आपको फंगल इश्यूज आते रहें, फंगल प्रॉब्लम्स आएँ, खुजली वगैरह हो शरीर में, और विटामिन डी की कमी भी होगी। तो जब ये योग बन रहा है, आपको ज़रूर अपने राहु का इलाज करना चाहिए और इसकी रेमेडीज करनी चाहिए। अगली पोजीशन, जब राहु चंद्र के साथ बैठा है, चंद्र ग्रहण लगाता है, कब लगाएगा, जब राहु कन्फर्म्ड हो गया कि नीच का बैठा है, राशि चेक करी, नक्षत्र चेक करें, डिग्री चेक करी, D9 में पोजीशन चेक करी, चारों चीज़ें चेक करने से जब कन्फर्मेशन हो गई कि राहु नीच का है और चंद्र के साथ बैठ गया, कहीं भी 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, तो चंद्र ग्रहण आ गया, आपके में बहुत कम कॉन्फिडेंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो ही होगा, नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे लाइफ में, सिर्फ नेगेटिविटी आपको सामना करना पड़ेगा। और साथ के साथ जब राहु और चंद्र एक साथ होंगे, नीच का राहु और चंद्र, तो आपका एक तरह से कोई भी मान सम्मान इजीली नहीं करेगा लाइफ में, आपको बहुत मुश्किल से ही किसी का मान सम्मान मिलेगा, तो आप गलत डिसीजंस ही लेते रहेंगे लाइफ में, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही कम होगी। अगली पोजीशन, जब मंगल के साथ राहु आ गया, अंगारक योग बनाता है, आपने ये कन्फर्मेशन करनी है कि राहु मेरा नीच का है भी या नहीं। अगर राहु का नीच का होना आपका एक कन्फर्मेशन आ गई है राशि के बेसिस पे, नक्षत्र के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे और D9 पोजीशन के बेसिस पे, तो अंगारक योग बन गया, आपको एक्सट्रीम तरह से हाइपरनेस देता है, एक्सट्रीम हाइपरनेस, बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाएगा, किसी से भी आप लड़ पड़ेंगे और ये आपको जेल की यात्रा भी ज़रूर करवाते हैं।
प्लस अंगारक योग में आपको एक बार लाइफ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता ही होता है जिसमें आपका ब्लड लॉस होता है। इस केस में आपको मंगल की भी रेमेडीज करनी चाहिए और राहु की भी रेमेडीज करनी चाहिए। जब बुध के साथ राहु आ गया, यानी कि मर्करी के साथ नीच का राहु कन्फर्म्ड हो गया राशि के बेसिस पे, नक्षत्र के बेसिस पे, डिग्रीज के बेसिस पे और D9 पोजिशन चेक करके राहु की, अगर आपको कन्फर्मेशन होगी कि नीच का राहु है, तो राहु के साथ जब भी मर्करी की कंजंक्शन होगी, जैसे कि राहु और मर्करी आ गया और 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, तो जड़ तत्व योग बनता है, बहुत नेगेटिव योग माना जाता है। इस योग में आप अपना दिमाग अच्छी तरह नहीं लगा पाते, आपका दिमाग कम चलेगा और एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत नीच लेवल की हो जाती है, किसी चीज़ को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोजिशन मानी जाती है। जब गुरु के साथ नीच का राहु बैठ गया, यानी कि जुपिटर के साथ डेबिलिटेटेड राहु बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड इन टर्म्स ऑफ राशि, नक्षत्र, डिग्रीज और D9 में पोजिशन भी, जब डेबिलिटेशन राहु की कन्फर्म्ड हो गई है, तो गुरु चंडाल योग माना जाता है जब भी जुपिटर और राहु एक साथ बैठे होंगे, यानी कि जुपिटर और राहु एक साथ बैठे हैं और 8 या 9 नंबर राशि पड़ रही है, गुरु चंडाल योग माना जाएगा। इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत पूर होगी, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज देगा ये योग, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रेगुलर आते रहेंगे और कभी भी स्टेबल इनकम नहीं बन पाएगी बिजनेस के अंदर, तो गुरु चंडाल योग भी एक बहुत नेगेटिव योग माना जाता है। प्लस ये आपको एक तरह से नॉन रिलीजियस भी बनाता है, जब गुरु और राहु बैठे होंगे, नीच का राहु बैठा होगा, नॉन रिलीजियस बन जाएंगे आप। अगली पोजिशन, अगर राहु शुक्र के साथ वीनस के साथ कंजंक्ट हो गया, इसको हम बहुत नेगेटिव लंपत योग बोलते हैं। देखिए ये कब बनेगा, जब राहु आपका कन्फर्म्ड हो गया कि नीच का है, आपने राशि चेक करी 8 या 9 नंबर राशि में बैठा है, यानी कि स्कॉर्पियो या सेजिटेरियस में बैठा है, प्लस नक्षत्र चेक करे राहु के, प्लस D9 के अंदर राहु की पोजिशन चेक करी, अगर कन्फर्मेशन आ गई है कि राहु नीच का है और शुक्र के साथ बैठ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत गलत होते हैं, बहुत गंदे सेक्सुअल डिज़ायर्स देगा, आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स देगा, वो भी गलत तरीके से। दूसरा, इस केस में आपको जुए की या फिर नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, आप बहुत ज़्यादा स्मोक करेंगे या फिर नशे करेंगे ऊँचे लेवल के, तो राहु और शुक्र की जब कंजक्शन होगी, लंपत योग बनेगा और बहुत नेगेटिव माना जाता है, ये बंदे को नशे में डाल देता है और सेक्सुअल नशे में भी डाल देता है। आखिरी कंजंक्शन की डिस्कशन करते हैं। देखिए जब राहु शनि के साथ बैठ गया, शनि और राहु की जब कंजंक्शन हो गई, इसको हम श्रापित योग भी बोलते हैं, बट कब बोलते हैं, जब राहु नीच का कन्फर्म्ड है, जब राहु नीच की राशि में बैठा है, 8 या 9 नंबर राशि में बैठा है, प्लस नक्षत्र राहु के फेवरेबल नहीं है, प्लस D9 पोजिशन, जो D9 चार्ट में राहु की पोजिशन, वो भी नेगेटिव है, तीनों चीज़ें कन्फर्म होने के बाद अगर राहु शनि के साथ बैठा है, तो ये श्रापित योग बनाएगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल की आपको स्ट्रगल्स देता है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा, बहुत कम रिजल्ट्स देगा, ये योग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। और अगर राहु नीच का इस केस में है, आपको राहु के उपाय 100% करने ही पड़ेंगे लाइफ में, अदरवाइज आप पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। तो अगर आपकी कुंडली में नीच का राहु कन्फर्म्ड हो गया है, आपके लिए मैं 4 पावरफुल राहु की रेमेडीज बताने जा रहा हूँ। देखिए पहली राहु की बहुत पावरफुल रेमेडी जो आप कर सकते हैं, हर रोज आफ्टर सनसेट आप ओम रीम राहवे नमः, ओम रीम राहवे नमः, ये मंत्र का 108 बार जाप हर रोज करना स्टार्ट कर दीजिए और राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। राहु की दूसरी बहुत पावरफुल रेमेडी, हर अमावस्या को, अमावस्या के दिन 3 कोकोनट्स लीजिए, नारियल लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, और नदी में विसर्जन करके आइए, हर अमावस्या को ये करिए ही करिए अगर आपका राहु नीच का बैठा है। तीसरी बहुत पावरफुल रेमेडी राहु की, देखिए ये रेमेडी राहु की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप वेडनेसडेज को या फिर सैटरडेज को, बुधवार या फिर शनिवार को काला ब्लैंकेट लेके गरीबों को दान करिए, हर बुधवार या हर शनिवार काला ब्लैंकेट गरीबों को दान करिए, ये राहु की बहुत पावरफुल रेमेडी है अगर आपका राहु नीच का बैठा है और आपको गलत रिजल्ट्स दे रहा है। चौथी राहु की सबसे पावरफुल रेमेडी अगर राहु नीच का बैठा है, गलत रिजल्ट्स दे रहा है आपको लाइफ के अंदर, वो ये है, आपको शिवा की, शंकर जी की बहुत ज़्यादा आराधना करनी चाहिए, रोज पूजा करिए, शिव जी की अगर पूजा करेंगे राहु ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में कंट्रोल में आएगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने ही पड़ेंगे राहु को। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी डिटेल में, अगर डेबिलिटेटेड स्टेट या फिर नीच स्टेट में राहु बैठा हो,
देखिए, सिर्फ ये जान लेना किस राशि में बैठा है उससे कन्फर्मेशन नहीं हो सकती राहु की कि नीच का है कि नहीं। उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में लक्षण भी चेक करने चाहिए। जो मैंने वीडियो के शुरू में लक्षण बताए वो चेक करने चाहिए कि क्या मेरा राहु सच में मुझे नीच के रिजल्ट्स दे रहा है। हो सकता है राहु को कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ मिल रही हो। तो सिर्फ राशि चेक करके प्लीज़ ये मत घबराइए या फिर मत सोचिए कि मेरा राहु नीच का है तो मुझे नीच के रिजल्ट्स ही देगा। बहुत बार नीच की राशि में बैठ के राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है क्योंकि इसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है कहीं ना कहीं से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।